अगर आप भी चाहते हैं सीढ़ी के नीचे घर का मुख्य दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा देने के लिए, तब उस समय आपको क्या करना है, आज हम इसी के बारे में बताएंगे। आखिर हम कितना स्टेप बनाए कि सीढ़ी के आगे मुख्य दरवाज़ा दे सकते हैं, आज हम मिनिमम से मिनिमम स्टेप बताएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। जनरली क्या है यहाँ पे जो दिया गया है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप काउंट कर लेते हैं, कितना स्टेप, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 आपका यहाँ पे स्टेप हो गया। और हर एक स्टेप की बात करें इसकी, ये कितना हाइट में, ये आपका जो है 6-6 इंची में है, 6-6 इंची हाइट। तो यहाँ पे ज़रा कौन देख लीजिए, कैलकुलेटर हम यहाँ पे निकाल देते हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए टोटल कितना है मेरा, 13 स्टेप, हर एक 6 इंची 6 इंची इंटू 13 कितना आ गया, 78 इंची आ गया, डिवाइड बाय कर देंगे 12, एक 6.5, मतलब 6.5 आ गया मेरा, कितना, ये उसका ऊपर का हाइट 6.5 फीट आपका आ गया, मतलब 6 फीट 6 इंची। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये, लेकिन क्या है, 6 फीट 5 इंची आपका ये टॉप हो गया, 6 फीट 6 इंची, लेकिन उससे नीचे 5 इंची का मेरा तो ये छत भी रहेगा, स्लैब भी नीचे जाएगा, तो उसके हिसाब से ये पूरा हाइट जो है, मिनिमम हाइट की बात करें तो यहाँ से लेकर के इसका लेवल 6 फीट हो गया। जनरली अगर इंडिया में आदमी की बात करें तो मैक्स 5.5 फीट से ज़्यादा उतना होता नहीं, लेकिन कुछ लोग जो लंबे लोग होते हैं वो 6 फीट तक होते हैं तो चलेगा। तो इस, लेकिन अगर इसी के जगह पे हम एक स्टेप और बढ़ा देते और उसके बाद एक और स्टेप, अगर 2 स्टेप और बढ़ा देते मेरा कितना आ जाता, 7.5 फीट, 7.5 फीट जैसे आता तो मेरे पास तो 5 इंची का मेरा जो है ये छत आ जाता स्लैब, और मेरे पास 7 फीट बच जाता। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो डोर सबका भी जो हम लोग लिंटल लेवल जो देते हैं वो 7 फीट के हाइट में देते, तो मेरा ये भी 7 फीट हो जाता, तब कोई उतना दिक्कतें नहीं आती। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको अपने घर का मेन दरवाज़ा जो है, ये पार्किंग का दरवाज़ा खुल गया, इधर आपको पार्किंग का एरिया मिल जाएगा, ये कार पार्किंग के लिए, लेकिन अब इसको तो हमेशा खोल के आना जाना तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है एक दरवाज़ा दिया गया है घर के इंट्रेंस के लिए, उसके लिए सीढ़ी के नीचे, सीढ़ी के पास पड़ा, सीढ़ी के नीचे दिया गया, नीचे दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको ये कितना स्टेप, 13 स्टेप में दिया गया, तो 6 फीट मेरा बचा यहाँ पे, मिनिमम 13 स्टेप, उससे नीचे बिल्कुल मत कीजिएगा, 13 स्टेप के बाद लैंडिंग दे दीजिए, लैंडिंग से नीचे आप अंदर आ सकते हैं, मैक्सिमम 15 स्टेप, मैक्सिमम आप कितना भी आ सकते हैं, 15 स्टेप देंगे तो बेहतर रहेगा ये आपके लिए। तो दोस्तों ये रहा आपका सीढ़ी के नीचे अगर आप मुख्य दरवाज़ा देना चाहते हैं तब। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस यही होता है जब जब सिविल इंजीनियर भगवान कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।